हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिलोंग करते हैं क्लास 12 से और आपने ले रखा है कंप्यूटर साइंस, तो आज के इस वीडियो में सीएसवी फाइल की बात करेंगे। जी हाँ, वही सीएसवी फाइल जिसके बारे में हम लोग पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, वही सीएसवी फाइल बनाना सीखेंगे। सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और ये पूछा जाता है, ठीक है। डाटा फाइल हैंडलिंग के तहत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले वीएस कोड ओपन करते हैं, ठीक है। मेरे वीएस कोड में कुछ फाइलें पहले से बनी हुई हैं, मैं इन्हें क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और क्लोज करके फिर हम देखेंगे इसको बना करके, ठीक है। अभी इसमें हमें राइट क्लिक करना है, यहां पर ऊपर आकर के और न्यू फाइल ले लेना है। तो ये एक टेक्स्ट फाइल हमने ले लिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट फाइल में हमें एक सीएसवी फाइल बनानी है। बनेगी कैसे, देखिए, आप बिना देखे 2-4 बार प्रैक्टिस जब करेंगे तो अपने आप बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सीएसवी फाइल बनाने के लिए सीएसवी को इंपोर्ट करना होता है। किसको इंपोर्ट करना होता है, सीएसवी को। तो आपको भी सीएसवी को इंपोर्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए, यानी यहां पर स्मॉल में लिखिए IMPORT, यानी इंपोर्ट कीवर्ड लिख लीजिएगा और यहां पर लिखिएगा सीएसवी। जब ये लिख लीजिएगा तो फिर एक आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बना लेता हूं माई फाइल नाम से एक लिस्ट बना लेता हूं, इज इक्वल टू, अब ये इस तरीके से आप बनाइएगा। और यहां पर इसके अंदर हम एक और लिस्ट बनाएंगे और इसमें मैं लिख देता हूं नेम ऑफ एम्प्लॉई। क्या लिख देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉई। इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है नेम ऑफ एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई लिखने के बाद यहां पर कॉमा लगा देना है। तो ये कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद एम्प्लॉई की आएगी एज, AGE, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद आएगी सैलरी, SALARY, तो ये हो गया सैलरी, ठीक है। तो यानी तीन चीजें यहां पर हमें देनी है। आप चाहे तो और भी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के नीचे आना, ये मत भूलिएगा, कॉमा लगाना मत भूलिएगा, ये याद रखिएगा 100%। अगर आप कॉमा लगाना भूल जाएंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये दिख ही रहा होगा कि हेडिंग क्या देना है, एक तो नेम ऑफ एम्प्लॉई, फिर उनकी एज और लास्ट में सैलरी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नाम लिखते हैं। आप सिंगल टेड कॉमा का सहारा ले सकते हैं या डबल टेड कॉमा का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक नाम लिख दिया हमने, ईशा लिख दिया, ठीक है। और ये सिंगल टेड कॉमा के अंतर्गत जो है हमें लिखना है, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के यहां पर एज डाल देना है, एज डाल करके फिर कॉमा लगा दीजिएगा और यहां पर सैलरी डाल दीजिएगा। एक चीज पे गौर कीजिएगा, यहां पर जो भी इंटीजर वैल्यू है उसमें कोई भी सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉटेड कॉमा आपको नहीं देना है। अब यहां पर ये सैलरी हमने डाल दिया 20,000, इसके बाद आप यहां पर कॉमा लगा दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉटेड कॉमा में से कोई एक लगा लीजिएगा। अब यहां पर एक और नाम आ गया अवनी, ठीक है। फिर यहां कॉमा लगाइएगा और कॉमा लगा करके फिर इनकी एज, तो मान लीजिए 23 एज है, कॉमा लगाया और यहां पे सैलरी है 18,000, तो यहां पे 18,000 दे दिया हमने। फिर कॉमा लगाइए, एंटर करिए, नीचे आइए, ठीक है। फिर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, फिर सिंगल डॉटेड कॉमा में लिखिए राजेश, ठीक है, ये एक और नाम आ गया। फिर यहां पर कॉमा लगाइए और कॉमा लगा करके इनकी एज 35, फिर कॉमा लगा करके सैलरी 22,000, ठीक है। तो ये यहां पे देते चले जाएंगे, जितना देते चले जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। आप फॉर एग्जांपल एक और लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा लगा देता हूं, तो कोई ऐसे असर पड़ने वाला नहीं है। आप सिंगल डॉटेड कॉमा लगाइए या डबल डॉटेड कॉमा लगाइए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहां पर एज है इनकी 24 और यहाँ पे कॉमा लगा के इनकी सैलरी है 23,000, तो यहाँ पे 23,000 दे दिया। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे आकर के यहाँ पे विथ ओपन लगाऊंगा। विथ ओपन लगाने के पीछे रीजन ये है कि अगर इसको हम क्लोज नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो फाइल बनेगी हमारी सीएसवी फाइल, उसे मैं emp.csv नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, emp.csv, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे emp.csv कर दिया है, तो ऐसे ही आपको भी कर देना है, कोई भी एक नाम जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर कॉमा नीचे लगा दीजिएगा और लगाने के बाद आपको इसे W मोड में ओपन करना है। आप चाहे तो रीड मोड में ओपन कीजिए, चाहे तो राइट मोड में ओपन कीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर राइट मोड में ओपन किया है, ठीक है।
और यहां पे लिखिएगा न्यू लाइन, ठीक है। क्या लिखना है, न्यू लाइन, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिख करके इज इक्वल टू डॉटेड कॉमा ओपन डॉटेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और इसे हम एक नाम दे देंगे, इसे एक नाम देंगे एज फाइल, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यहां पे कॉलन लगा देना है आपको, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर एंटर करके नीचे आइएगा, यहां पे लिखिएगा राइटर, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, इज इक्वल टू राइटर, ठीक है, सीएसवी डॉट राइटर, ठीक है। और यहां पर फाइल को यहां पे लेके आएंगे, तो यहां फाइल लिख दिया है हमने, और ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। फिर यहां पे लिखिएगा राइटर, डब्ल्यू आर आई टी ई आर, राइटर डॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, ठीक है। तो यहां पे फिर वापिस से राइट रोज करेंगे, राइट रोज, ठीक है, क्या करेंगे, राइट रोज, तो ये राइट रोज कर दिया। और फिर राइट रोज करने के बाद यहां पर ऊपर क्या नाम दिया था हमने, आपको याद है, माई फाइल, तो यहां पे माई फाइल को प्रिंट करवा दीजिए। तो बस इतना ही आपको करना है, यहां पे माई फाइल आ गया, और अब इसको सेव करने की जरूरत है, तो यहां से फाइल पे जाके और इसको सेव पे क्लिक करेंगे, तो इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं हम, तो यहां पे इसी नाम से सेव कर लेते हैं, और ये फाइल हमारी आ जाएगी ऊपर, ये देखिए ये आई हुई है, लेकिन इसमें जब हम इसे चलाएंगे तो एक सीएसवी फाइल बनेगी, वो सीएसवी फाइल किस नाम से होगी, वो सीएसबी फाइल होगी emp.csv के नाम से। तो इसको एक बार चलाते देखते क्या होता है। तो यहां पर ये प्रोग्राम हमने चलाया और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल भी गया, ठीक है। चलने के बाद एक फाइल बनी है, कौन सी फाइल बनी है, सीएसबी फाइल बनी है, किस नाम से बनी है, emp.csv। तो आप देखेंगे यहां पर आपको emp.csv नजर आएगी, ये फाइल आपको दिख रही होगी emp.csv, इस पर एक बार क्लिक कीजिए, तो आपको वही रिकॉर्ड्स यहां पर निकलते हुए दिखाई देंगे जो कि हमने एंटर करवाए थे। पहले तो नेम ऑफ एम्प्लॉई है, फिर एज है, फिर सैलरी है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉई में नेम ऑफ एम्प्लॉई आ रहा है, एज में एज आ रहा है, सैलरी में सैलरी आ रही है, और हर जगह ऐसे ही आपको दिखेगा। अगर आप फाइल पे जाते हैं दोबारा, जैसे माई फाइल या ई, ये यही थी हमारी फाइल, तो यहां पर आकर के अगर हम एंटर करते हैं, यानी कॉमा लगा करके एंटर करते हैं, और एंटर करके यहां पर एक नाम और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे यहां पीपी लिख दिया हमने, पीपी इस तरीके से डब्ल्यू डॉट कॉमा ओपन किया, फिर यहां लिख दिया पीपी, ठीक है। फिर कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाने के बाद यहां पर एज डाल दिया हमने 45, ठीक है। एज डालने के बाद फिर कॉमा लगाया हमने, और यहां पर 21,000 सैलरी डाल दी, देख सकते हैं ना। इसी तरीके से और भी जितना बढ़ाएंगे वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो एक बार हम इसको चलाते हैं, देखते हैं ऑटोमेटिक अपडेट हुआ या नहीं। तो क्लिक किया हमने, तो यहां पर तो फाइल बन गई हमारी, लेकिन ये emp.csv नाम से बनी है, तो इसको ओपन करते हैं हम। तो ओपन करेंगे तो देखिए पीपी वाली जो रिकॉर्ड था, जो हमने लास्ट में इंसर्ट कराया था, वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। पीपी नाम है, 45 पेज है, और 21,000 सैलरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीएसवी फाइल बनानी है, बहुत आसान है, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो बाइनरी फाइल है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।